मतलब टुकड़ों में, ठीक है आप हमें जितने भी टुकड़ों में बांटे हम आपको दिल्ली पहुंच के दिखाएंगे, चाहे हमारी जान ही क्यों ना चली जाए दिल्ली पहुंचते पहुंचते, लेकिन हम आपको दिल्ली पहुंच के दिखाएंगे। इस तरीके से रवैये की हमें आपसे उम्मीद नहीं थी। देश विरोधी कभी नहीं लगा सर, नहीं लगा, नहीं लगा, नहीं लगा, नहीं लगा। आप एक बात को रटने लगा रहे हैं, लेकिन हमारे बच्चे को स्लाइन चढ़ रहा था, वो कहाँ गया? नमस्कार, मैं मोहम्मद फैसल और आप देख रहे हैं जनहित आवाज। क्या लगता है आपको आज की क्या बड़ी खबर है, बुंदेलखंड का एक्सप्रेसवे या फिर बाढ़ से हुई तबाही? मेनस्ट्रीम मीडिया में, गोदी मीडिया में यही खबरें दिखाई जा रही है, लेकिन असली खबर आज की ये नहीं है। असली खबर मैं आपको बताऊंगा कि आज की जो सबसे बड़ी खबर है, जो सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है, जहां पर हजारों युवा सड़कों पर उतरे हैं, वो खबर कौन सी है बताऊंगा। लेकिन इतना समझिए, आज बुंदेलखंड में पीएम मोदी जो है एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करते हैं। वहां पर वो कहते हैं कि रेवड़ी वालों से, रेवड़ी जो संस्कृति है, कल्चर जो है, इससे बचना होगा। वो पूरा मामला क्या है वो भी बताऊंगा। लेकिन इतना समझिए, एसएससी जीडी 2018 के छात्र जो नागपुर से पैदल यात्रा कर दिल्ली आ रहे थे, तकरीबन 900 किलोमीटर चलने के बाद जैसे ही वो आगरा पहुंचते हैं, यूपी में दाखिल होते हैं, फिर क्या था, उन पर कहर टूट पड़ता है। जी हाँ, 900 किलोमीटर वो चलने के बाद, पैदल यात्रा करने के बाद जब आगरा में आए, तो कल रात वो 46वें दिन आगरा के गुरुद्वारा में रुकते हैं, जहां पर यूपी पुलिस पहुंचती है और उन छात्रों को उठाकर तितर बितर कर देती है, उनको डराती है, धमकाती है कि आप लोग घर चले जाए। आप समझिए कितने बुरे हालात है। 900 किलोमीटर वो पैदल यात्रा करने के बाद कहीं भी उनको कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं हुई, लेकिन जैसे ही यूपी में दाखिल हुए, यूपी में जो पुलिस प्रशासन है, जो तानाशाही रवैया है, वो देखने को मिला। आइए एक एक करके दिखाता हूँ वो सारी तस्वीरें कि छात्रों को किस तरीके से डिटेन कर उनको अलग अलग दिशा में ले जाया गया, अलग अलग, आगरा से 40-50 किलोमीटर दूर ले जाकर उनको छोड़ दिया गया, ताकि वो दिल्ली ना पहुंच पाए। लेकिन छात्रों के जज्बे को सलाम करना पड़ेगा, वो जिस जज्बे के साथ 900 किलोमीटर चल के आ सकते हैं, तो क्या 200 किलोमीटर चल के नहीं आ सकते? खुली चेतावनी दी है छात्रों ने कि आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, चाहे हमें दुनिया के किसी भी कोने में छोड़ाइए, लेकिन हम दिल्ली पहुँच कर दिखाएंगे। और जो उन्होंने वादा किया है, तकरीबन 25 तारीख को उनका पहुंचने का प्लान है और संसद का घेराव करने का प्लान है, उन्होंने साफ चुनौती दी है, आप हमें दुनिया के किसी भी कोने में छोड़ाइए, लेकिन हम आपको दिल्ली पहुंचकर दिखा देंगे, चाहे इसके लिए हमें अपनी जान देनी पड़ी। सबसे पहले उनकी ये बैठ सुनिए, किस तरीके से एक पुलिस वाला उनको धमका रहा है कि आप लोग देश विरोधी नारे लगाते हो, जबकि छात्र कह रहे हैं कि हम 46 दिन से लगातार पैदल मार्च करते हुए आ रहे हैं, हमने कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिससे हम पर उंगली उठाई जा सके, हम शांतिपूर्ण तरीके से पैदल मार्च करते हुए आ रहे हैं, और आप हमें कह रहे हो कि हम देश विरोधी नारे लगाते हैं। आप समझिए कि छात्रों को किस तरीके से ये टारगेट करते हैं, हमेशा उनको डराते हैं, धमकाते हैं, ताकि वो अपने हक अधिकार के लिए लड़ ना सके, सड़कों पर ना उतर सके। तो सबसे पहले ये उनकी वीडियो सुन लीजिए। देश विरोधी कभी नहीं लगा सर, नहीं लगा, नहीं लगा, नहीं लगा, नहीं लगा। आप एक बात को रटने लगा रहे हैं, लेकिन हमारे बच्चे को स्लाइन चढ़ रहा था, वो कहाँ गया? तो सुना आपने किस तरीके से एक पुलिस अधिकारी इन छात्रों को डरा रहा है, धमका रहा है कि आप लोग देश विरोधी नारे लगाते हैं। तो आप इससे हालात समझ सकते हैं कि जहां जहां बीजेपी सरकार है, वहां वहां पर नौजवानों का, छात्रों का, दलित, पिछड़े, आदिवासी और मुसलमानों की क्या स्थिति है। और ये मुद्दा अब ज्वलंत मुद्दा बन चुका है और सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रहा है। ये देखिए, एक एक करके वो सारी वीडियो भी दिखाऊंगा जहां पर छात्र विरोध कर रहे हैं और किस तरीके से वो पैदल चलकर दिल्ली आ रहे हैं, और उसके बाद कल रात जिस तरीके से आगरा के गुरुद्वारे से इनको डिटेन कर आगरा के तमाम हिस्सों में इनको जो भेजा गया डिटेन कर अलग अलग दिशा में, ताकि ये लोग एक साथ जमा होकर दिल्ली ना आ पाए। लेकिन इन छात्रों के जज्बे को सलाम करना पड़ेगा। सबसे पहले ये इनकी बाइट सुन लीजिए, देखिए ये छात्रा क्या कह रही है। इन लोगों ने क्या किया, एक एक बंदे का नाम, रोल नंबर तो नहीं, मतलब रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं, पूरा एड्रेस लिया,
उसके बाद इनकी प्लानिंग रात में हुई, कुछ बंदे को बुलाया गया, उनको समझाया गया पैदल यात्रा छोड़ दो, तुम घर चले जाओ, ये बोलते हैं कि तुम्हारा लीगली मांग नहीं है। भाई जब हम 900 किलोमीटर चले तब आपके हाथ में पट्टी थी, और जब 900 किलोमीटर चल लिए तो आज आप पीछे दिखाइए कि ये हमें गाड़ी में भर के लेके जा रहे हैं। तो सुना आपने, वो साफ साफ कह रही है जब हम 900 किलोमीटर चलकर आ गए तब आपको नहीं दिखा, अब जब हम आगरा पहुंच गए तो आप कह रहे हैं कि आप लोग घर चले जाइए। ऐसे कैसे हो सकता है? एक वर्दी के लिए, SSC GD 2018 की नियुक्ति के लिए ये लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, आप अंदाजा लगा सकते हैं। देखिए, ये वो छात्रा है जो कह रही है कि आप हमें जो है किसी भी कोने में छोड़ आइए, लेकिन हम जो है दिल्ली पहुंच कर रहेंगे, हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी। इनकी भी बाइट सुन लीजिए। आपने हमें मतलब टुकड़ों, ठीक है, आप हमें जितने भी टुकड़ों में बांटे, हम आपको दिल्ली पहुंच के दिखाएंगे, चाहे हमारी जान ही क्यों ना चली जाए दिल्ली पहुंचते पहुंचते, लेकिन हम आपको दिल्ली पहुंच के दिखाएंगे। इस तरीके की रवैये की हमें आपसे उम्मीद नहीं थी। कुलदीप दीक्षित है, उन्होंने लिखा है SSC GD 2018 के अभ्यर्थियों का नागपुर से दिल्ली तक पैदल मार्च का 44वां दिन था। अनुशासन है, शांतिपूर्वक तरीके से अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। इन अभ्यर्थियों को उत्तर प्रदेश पुलिस ने क्यों गिरफ्तार किया है? भाजपा सरकार देश में क्या करना चाहती है? ये देखिए। इसके अलावा ये देखिए, वरुण गांधी ने भी ट्वीट किया है, नागपुर से दिल्ली हाथों में तिरंगा, ये देश के युवा है, अधिकार मांग रहे हैं। 2018 से संघर्ष इन युवाओं में से कितनों ने आत्महत्या कर ली, अब इन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है, हमारे लोकतांत्रिक मूल्य कहाँ हैं? हम अपने युवा के साथ इतना निष्ठुर व्यवहार कैसे कर सकते हैं? तो ये देख सकते हैं कि बसों में बिठाकर उनको आगरा के अलग अलग जगह पर अलग अलग दिशा में भेज दिया गया है। ये देखिए, एक और ट्वीट किया है, अनुशासित वे शांतिपूर्ण तरीके से अपने हक के लिए संघर्ष कर रहे हैं। SSC GD 2018 के अभ्यर्थियों को आज सुबह उत्तर प्रदेश पुलिस ने डिटेन कर लिया है, क्या शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने का भी हक हो चुका है देश का नागरिक? आप देख सकते हैं कि उनको बस में बिठाकर ले जाया जा रहा है। तो ये आज की सबसे बड़ी खबर है, जिसमें आप देख सकते हैं कि जो SSC GD 2018 के छात्र थे, जो नागपुर से पैदल चलकर आ रहे थे और आगरा पहुंचते यूपी पुलिस ने उन पर धावा बोल दिया और उनको डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। अब उनको यूपी के अलग अलग हिस्सों में 10-10 की टुकड़ी में बैठाकर उनको तितर बितर कर दिया गया है और राज्य के अलग अलग हिस्सों में भेजा जा रहा है, ताकि वो लोग एक साथ जमा ना हो और वो संसद ना आ सके। तो ये तरीका इन लोगों का। ये देखिए, हम आज़ादी के 75वें वर्ष में, लेकिन शांतिपूर्ण प्रदर्शन की आज़ादी खो चुके हैं। भारतीय जनवादी संघ ने ट्वीट किया, हाथ में तिरंगा लिए हजारों किलोमीटर पैदल चलकर अपने हक की मांग कर रहे SSC GD 2018 के अभ्यर्थियों को यूपी पुलिस आगरा पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर असंवैधानिक और तानाशाही शांतिपूर्ण तरीके से बात रखना भी गुनाह हो गया है। यह आप देख सकते हैं कि किस तरह की पुलिस फोर्स है और छात्रों को डिटेन कर ले जाया जा रहा है। ये देखिए, अविनाश यादव है, उन्होंने ट्वीट किया, अनुशासित एवं शांतिपूर्ण तरीके से नागपुर से दिल्ली तक 44वें पैदल मार्च कर रहे SSC GD 2018 के अभ्यर्थी जो अपने हक के लिए गांधीवादी तरीके से लड़ रहे हैं, उन्हें आगरा में यूपी पुलिस द्वारा गिरफ्तार करना अलोकतांत्रिक है। तो पूरा दिन आज यही खबर है। ये देखिए, नागपुर से दिल्ली यात्रा कर रहे युवाओं को पुलिस ने आगरा में रोका, नियुक्ति के लिए राजधानी में आंदोलन की थी तैयारी। तो दिल्ली में आकर बड़े आंदोलन की तैयारी थी। 25 जुलाई को हमने वो वीडियो भी आपको दिखाया कि किस तरीके से 25 जुलाई को संसद के पास देश भर के युवा जुड़ने वाले थे, लेकिन आगरा में यूपी पुलिस ने इनको डिटेन कर लिया है और इनको अलग अलग दिशा में भेजा जा रहा है। आप समझिए कि SSC GD 2018 में जो परीक्षा हुई थी उसके बाद इनकी नियुक्ति रुकी हुई थी, उसी को लेकर ये लगातार पिछले 17 महीने से आंदोलन कर रहे हैं। दिल्ली भी आए कई बार, दिल्ली में इन्होंने जंतर मंतर पर लगातार प्रदर्शन किया, लेकिन इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आप समझ सकते हैं। ये देखिए, ये है हमारा भारत देश। आज हमारा पैदल मार्च का 46वां दिन था, लेकिन यूपी पुलिस ने हमें इतना परेशान किया कि आप खुद ही देख सकते हैं। पुलिस वालों ने हमें एक एक को पकड़कर गाड़ी के अंदर बैठाया और पता नहीं अभी कहां ले जा रहे हैं। तो छात्रों को भी नहीं पता है कि वो कहां जा रहे हैं। ये देखिए, अनिल राठौड़ है, उन्होंने ट्वीट किया है, आज SSC GD 2018 नागपुर से दिल्ली पैदल मार्च चल रहे हैं। अभ्यर्थियों को आगरा पुलिस प्रशासन के द्वारा बर्बरता दिखाई गई है और उन्हें गिरफ्तार किया गया है। आखिर हम लोग का गुनाह क्या है? क्या हम अन्याय के खिलाफ आवाज़ भी नहीं उठा सकते? अपनी भर्ती को लेकर मांग करने वाले छात्रों को यूपी पुलिस किस तरीके से प्रताड़ित कर रही है, आप अंदाजा लगा सकते हैं।
और ये देखिए ये मैप में इन छात्रों ने लोकेशन भेजी है कि इनके साथियों को 10-10 की टुकड़ी में अलग अलग दिशाओं में भेजा है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये देखिए आगरा और फिरोजाबाद, सिकोराबाद, फतेहाबाद, हाथरस, तो अलग अलग दिशाओं में इनको भेजा है ताकि ये एक साथ जमा ना हो और दिल्ली ना आ सके। ये देखिए वीरू राज, उन्होंने ट्वीट किया है, हमारे साथ ही SSCGD 2018 नागपुर से दिल्ली मार्च, अभ्यर्थियों को पुलिस प्रशासन द्वारा अलग अलग स्थानों पर लेकर जा रहे हैं, इसका क्या मतलब है, हम मुजरिम नहीं है फिर भी हमारी संघर्ष को विफल बनाने की कोशिश की जा रही है, आखिर क्यों सर, आप लोग हमारी मदद कीजिए। तो आप देख सकते हैं, और ये देखिए आज हमारा पैदल मार्च 46वें दिन, कल हम आगरा के गुरुद्वारे में रुके थे, आज सुबह यूपी पुलिस हमको डिटेन कर ले जा रही है। ये तस्वीरें देख सकते हैं कि जो छात्र गुरुद्वारे में रुके थे, गुरुद्वारे में ये रेड मारते हैं और उन छात्रों को बसों में बिठा कर आगरा के अलग अलग हिस्से में इनको भेज देते हैं, लेकिन इन लोगों ने वादा किया है कि वो दिल्ली पहुँच कर रहेंगे और संसद भवन का घेराव जरूर करेंगे। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, देखिए सबके हाथों में तिरंगा है और किस तरीके से ये लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं अपनी नियुक्ति को लेकर। अब ये देखिए रोहित राणा ने ट्वीट किया है, SSCGD 2018 के अभ्यर्थियों का नागपुर से दिल्ली तक पैदल मार्च का 44वां दिन था, अनुशासन एवं शांतिपूर्ण तरीके से अपने हक की लड़ाई लड़ रहे इन अभ्यर्थियों को उत्तर प्रदेश पुलिस ने क्यों गिरफ्तार किया है, भाजपा सरकार देश में क्या करना चाहती है। तो लोग सवाल कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि आखिर 900 किलोमीटर चलने के बाद जो शांतिपूर्ण तरीके से चलते हुए आ रहे थे, 3 राज्यों को उन्होंने पार कर दिया था, उसके बाद ऐसी क्या बात हुई कि आज उनको आगरा में पुलिस ने डिटेन कर आगरा के तमाम हिस्सों में अलग अलग जगहों पर भेज दिया है और उनको डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। जिस तरीके से आपने देखा, एक पुलिस वाला कहता है कि आप देशद्रोही नारे लगाते हैं, तो इस तरीके के हालात है। अगर आप अपने रोजगार की बात करेंगे, अपने हक अधिकार की बात करेंगे, तो आपको प्रताड़ित किया जाएगा, आपको डराया धमकाया जाएगा, अगर आप तब भी नहीं मानते हैं तो आपको जेलों में डाल दिया जाएगा। तो आज की सबसे बड़ी खबर ये थी कि SSCGD के 2018 के जो छात्र हैं, जो युवा है, कल भी हमने दिखाया था कि किस तरीके से जंतर मंतर पर UPSC और SSC बैंकिंग वाले जो अभ्यर्थी थे वो धरना दे रहे थे। तो देश के युवा अभी भी बेरोजगारी में इतने परेशान हैं, लगातार वो कोशिश कर रहे हैं कि सरकार उनकी बात सुने, लेकिन सरकार अपने प्रचार प्रसार में लगी हुई है। डॉलर 80 पार हो चुका है, पेट्रोल ने सारी हदें पार कर दी, वहीं LPG गैस ने गरीब लोगों को रुला रखा है, 1000 के पार सिलेंडर हो चुका है, लेकिन सरकार अपने प्रचार प्रसार में बिजी है। वो आज भी बुंदेलखंड में एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करते हैं और वहां से एक जुमला बोलते हैं कि रेवड़ी कल्चर जो है इसमें ना फंसे। वो पूरा मामला क्या है, किस तरीके से देश के प्रधानमंत्री ने 140 करोड़, भारत की 140 करोड़ जनता को गाली दी है, वो वीडियो भी बताऊंगा। जी हाँ, वो अगली वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए ये खबर आपको कैसी लगी, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये जो युवा हैं जिनको मीडिया में जगह तक नहीं मिल रही है, मीडिया में सिर्फ प्रचार प्रसार चलता है, इन लोगों को सोशल मीडिया के जरिए ही हमें मजबूत बनाना है, इनकी खबर हर लोगों तक पहुँचानी है ताकि लोग इनके समर्थन में आए, इनको इनके हक अधिकार मिले, इनको इनकी नियुक्ति मिले, तभी जाकर, क्योंकि ये भी देश का फ्यूचर है और ये भी हम में से तुम्हारे में से किसी के बच्चे हैं, किसी का भाई है, किसी की बहन है, तो इनको इनके साथ खड़ा होने की ज़रूरत है। और आज इस तरीके से इनको डिटेन कर डरा धमका कर आगरा के अलग अलग हिस्सों में भेजा गया है, वो बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही शर्मसार करने वाला है कि किस तरीके से खासकर BJP राज्यों में पुलिस का इस्तेमाल किया जा रहा है आवाज़ दबाने के लिए। इस वीडियो पर अपनी राय जरूर दीजिए, शुक्रिया।